है। पांचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण वर्ग ईरानी में नहीं। महाप्राण का मतलब हुआ दूसरा या और चौथा, ख और घ, समझ गए ना। पुरानी ईरानी में ला का भी अभाव है, इसके स्थान पर रा, जैसे श्रीलो श्रीलो। ईरानी में स्वरों का बाहुल्य है, वहाँ पर 8 ऐसे स्वर है, जबकि भारतीय भाषाओं में स्वर अलग 13 स्वर, 46 व्यंजन हमारे पास हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, और बाद में चल करके जो भाषा है वो आर्य भाषा, ईरानी, दरद भारतीय, और दरद में खोवा, काफिर, कश्मीरी, दरद में फिर देखिए सीना, कश्मीरी, कोहिस्ती, सीना से गिलगिती बोढ़िया, और कश्मीरी से कश्मीरी, कष्टवारी, कोहिस्तानी से मैया, नोरवारी, गावी। इसकी आधुनिक भाषाएं बोलियों के विकास पर स्पष्ट पता नहीं चलता है, अतः निश्चित रूप से बतलाना अनिवार्य नहीं है। अवेस्ता बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कही जाती है। कुछ लोग भूल से इसे जिंद भी कहते हैं। इसका यह नाम इसकी प्राचीनतम पुस्तक अवेस्ता 7वीं ईस्वी पूर्व के कारण पड़ा हुआ है। भारतीय आर्य भाषा में आप देखिए सौर सेनी, पैसाची, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी, मागधी हैं, और इनमें मतलब आप देखेंगे तो कई वो जैसे नेग्रिटो परिवार आया दक्षिण अरब से, ईरान होते भारत आए। आस्टिक परिवार है, ये हिंद चीन की, उत्तरी हिंद चीन से आए। किरात है, ये मूलतः यांगसी क्वांग नदी के मुहाने के पास मंगोल से की तरफ से आए। द्रविड़ लोगों के बारे में विवाद होने के बावजूद भी भारतीय माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, जिसे पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक संस्कृत भाषा बोलते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से आज तक, जिसमें सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, ब्राचड, अर्धमागधी, मागधी हैं। और इसके आधार पर आप देखेंगे तो भौगोलिकता को ध्यान में रखते हुए भारोपीय परिवार जो है अमेरिका तक, आपको जैसा मैंने बताया था, भारोपीय परिवार की जो विशद रूपरेखा है, अगर उसे आप देखने जाएंगे मित्रों, तो आप खुद उसमें आप देखिए जर्मनिक, केल्टिक, लैटिन, पुर्तगाली, यानी तमाम तरह की भाषाएं, बल्गेरियन, पोलिश, और जहाँ जहाँ अब तो ग्लोबल भाषा होने के कारण भाषा में कई भाषाएं मिलती जा रही हैं, और उस अवस्था के आधार पर उनकी प्रकृति बनती जा रही है, व्यवस्था बनती जा रही है। मित्रों, समयाभाव के कारण मैं आपके सामने पूरी बात नहीं रख पाया हूँ, लेकिन मुझे मेरी कोशिश रही है कि आपके सामने एक संक्षिप्त रूपरेखा खींचूँ। जब तक आप राजनीतिक मैप नहीं देखेंगे, राजनीतिक नक्शा नहीं समझ पाएंगे, तब तक भाषा के इतिहास को समझना बड़ा मुश्किल है। आप भारत ईरानी वाला, जो ईरान वाला मामला आपको बताया, आप इतिहास पढ़े तब आपको पता चलेगा, तिब्बत का देखेंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ का। और ये जो आर्य अनार्य की बात है, आर्य यहीं के थे, ये आप ध्यान रखिए। इस बात को अम्बेडकर भी मानते हैं, बहुत सारे विचारक मानते हैं। इसलिए भारतीय भाषा जो है, संस्कृत जो है, सभी भाषाओं की एक तरह से देखा जाए तो अग्रगणी भाषा है, और भाषा जो है पारस्परिक आदान प्रदान के लिए ही प्रयोग की जाती है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये बात अलग है कि इस समय पर आप लोग अंग्रेजी के प्रभाव में हैं, अब मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं अल्प विराम लेता हूँ। नमस्कार। संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम सैटेलाइट ना माध्यम थी जोड़ती कड़ी एटले संधान। गुजरात।